नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जिस चैप्टर में बात कर रहे हैं वह है ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, एंशिएंट इंडिया का ओल्ड एनसीईआरटी, रिटन बाय आर.एस. शर्मा। 11th क्लास की बुक है। जो चैप्टर है इसका नाम है भौगोलिक ढांचा। ये भौगोलिक ढांचा क्या होता है इसको समझ लीजिए, है ना। जो भारत है, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि एंशिएंट इंडिया का मतलब जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो जितने भी अन्य आसपास के देश जो उस समय में अखंड भारत का पार्ट था, उन सबको लेकर के इतिहास की बात हम करेंगे। जो भौगोलिक ढांचा है, बेसिकली इसमें कहा गया है कि किस तरह से जो भौगोलिक ढांचा होता है वो हिस्ट्री को डिसाइड करता है। इट मीन्स हाउ हिस्ट्री इज डिसाइडेड बाय भौगोलिक और जो फिजियोलॉजिकल और द ज्योग्राफिकल फीचर्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुली डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। गॉट माय पॉइंट? सो आज हम आपको ये भौगोलिक ढांचा बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जो मेरा पर्पस है स्टडी करने का, वो पर्पस क्या है। मेरा पर्पस है कि हम सबसे पहले टारगेट क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले टारगेट है हमारा जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कवर करना। तो क्वेश्चन क्या है ये देख लें। कहता है भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भारत के जितने भी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है उनका वर्णन करना है। दूसरा कहता है इतिहास को समझने के लिए भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों आवश्यक है, प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण देते हुए विवेचन करना है। याद रखिएगा, अगर इतिहास को समझना है तो भौगोलिक स्वरूप की जानकारी होनी है। तो यह होनी है तो क्यों होनी है, क्यों आवश्यक है, इसे बताना है और इसे इलस्ट्रेट करना है, उदाहरण के द्वारा समझाना है। कहां से? तो भारतीय इतिहास से। गॉट माय पॉइंट? तीसरा कहता है बताएं कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख धातुएं पाई जाती है, प्राचीन काल में इनका क्या क्या उपयोग किया जाता था। भारत में जितने भी रिसोर्सेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन सा रिसोर्सेस कहां पाया जाता था और उस रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए किस तरह से यहाँ के जो स्टेट्स थे वो आपस में संघर्ष करते थे, या उस रिसोर्सेस के लिए किस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, और यही सब तो इतिहास का पार्ट होता है। आगे कहता है भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास में अनेकता में एकता लाने में भौगोलिक ढांचे का क्या हाथ है, विवेचना करें। अगला कहता है भारत के बाह्य रेखिक मानचित्र, मतलब भारत का जो मानचित्र है उसमें निम्नलिखित स्थान को अंकित करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैबर कहां है, बोलन कहां है, गोमल, हसीनापुर, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र, अरिकमेडु, हजारीबाग, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, सिंहभूम, कोलार, खेतरी, उज्जैन, ये कहां कहां है ये लोकेट करना है। ये बहुत जरूरी है। मैं अक्सर बोलता हूं अगर हिस्ट्री को समझना हो तो टाइम एंड स्पेस के कंसेप्ट में समझिए, और स्पेस का मतलब होता है प्लेस, कौन सा प्लेस कहां है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये महाबलीपुरम है, ये एक जगह है साउथ इंडिया में। अब इसका अगर आप लोकेशन पता है तो इसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे यहां पे क्या हो गया, तो वो इसका इतिहास हो गया। जब आपको इसका लोकेशन, इसका स्पेस, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन पता है, तब इसका जो टाइम के साथ इसका आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। यही बात कह रहा है इसमें, आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, लोकेट करना है। कहता है भारत की प्रमुख नदियों का सूची बनाएं और उन्हें भारत के बाह्य रेखीय मानचित्र पर अंकित करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, आपको हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ मैप है उसको बताना चाहते हैं। इस मैप के बिना इस चैप्टर को पढ़ना मतलब उचित नहीं होगा। तो आप एक देख लीजिए कि ये जो है हिमालय है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हिमालय वाला पार्ट है। गॉट माय पॉइंट? ये हिमालय, ये आपका काराकोरम श्रेणी है और यहां पे ये केटू पर्वत है, ठीक। ये माउंट एवरेस्ट है, ये कंचनजंगा है, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आज की क्लास को आप समझ गए तो आपको आने वाले समय में हिस्ट्री एज ए पिक्चर लगेगा, है ना। आप पिक्चर देख रहे हैं, हिस्ट्री को समझ रहे हैं, इसीलिए आज की क्लास को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो मैंने बताया ये हिमालय है, ये एवरेस्ट है, ये कंचनजंगा है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे केटू काराकोरम, ये आपका हो गया हिंदू कुश, है ना। ये है आपका अफगानिस्तान और ये आज का है पाकिस्तान, लेकिन हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और द ग्रेटर इंडियन, जिसे कहते हैं अखंड भारत, ठीक है। ये है आपका सुलेमान रेंज, ये है आपका किरथर।
अगर हम नदी की बात करें तो ये है सिंधु। ये नदी ऐसे करके ऐसे 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 होकर के आती है, ये ऐसे आती है, ये देखते हैं तिब्बत से ये नदी निकलती है। सतलज ये है, ये भी तिब्बत से निकलती है। तो सिंधु और सतलज कहां से निकलती है ये मैंने बता दिया। सिंधु नदी ऐसे क्रॉस करते 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 ऐसे आती है और ऐसे आकर के यूं होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु में मिल जाती है चेनाब सबसे पहले, सॉरी झेलम, सबसे पहला झेलम, उसके बाद ये चेनाब, फिर रावी, और यहां पे है व्यास, और ये है सतलुज। ये पांच रिवर है, पांच रिवर के नाम पे पंजाब बना है। पन मतलब पांच, आ मतलब नदी। पंजाब का नाम जो है इस पांच रिवर के कारण बना है, जिसमें है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, और ये सारे नदी आपस में मिलने के बाद अंततः मिल जाती है सिंधु में। ये बात क्लियर हो गया। अब हम बात करें तो हम बात करते हैं गंगा का। ये गंगा यहां से निकलती है ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए ऐसे, और फिर इधर मिल जाती है। गॉट पॉइंट। गंगा में मिलती है यमुना, और इसी को बोलते हैं गंगा यमुना दोआब, दो नदी के बीच का क्षेत्र। और दो नदी कौन है, तो गंगा और यमुना है। गॉट माय पॉइंट। उसके बाद आता है इधर से ब्रह्मपुत्र। ये जो रिवर है ये इधर ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये जो यमुना है, यमुना में मिलती है चंबल, और ये मिलती है बेतवा, और आगे चल के ये सोन है जो गंगा में मिल जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि ये है आपका विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के जस्ट दक्षिण में है नर्मदा, और नर्मदा के नीचे दक्षिण में है सतपुड़ा। सतपुड़ा मतलब ये पर्वत है, और सतपुड़ा के नीचे है ताप्ती। गॉट नो पॉइंट। और ये हो गया इंडस वाला एरिया, मतलब सिंधु नदी वाला एरिया, और ये हो गया गंगा यमुना वाला एरिया। इसके बीच में ये हो गया विंध्य, और ये पूरा एरिया हो गया पूरा मैदानी एरिया। इस मैदानी एरिया को एक पर्वत है अरावली, ये अरावली दो भागों में बांटती है। इसके जो पश्चिम है वो हो गया मरुस्थल वाला भाग, जिसको हम बोलते हैं थार मरुस्थल, और इसके जो पूरब में है वो मैदानी वाला एरिया है। यहां तक क्लियर हो गया। ये है आपका छोटा नागपुर पठार, और ये है दामोदर नदी। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका महानदी, याद रखिएगा ये रिवर जो है आपका महानदी है, और ये है गोदावरी। महानदी और गोदावरी, इन दो नदी को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय में, महानदी और गोदावरी। और ये रिवर जो है ये आपका कृष्णा। ये रिवर कौन सा है, तो ये कृष्णा हो गया, है ना। और ये हो गया दक्कन का पठार। गॉट माय पॉइंट। ये हो गया पूर्वी घाट, क्या है ये सब बताएंगे, लोकेशन समझ लीजिए। उसके बाद ये है आपका पश्चिमी घाट, इस एरिया को बोलते हैं कोंकण, और यहां पे आगे और बढ़ेंगे तो ये है आपका कावेरी रिवर। कावेरी रिवर से थोड़ा सा और दक्षिण आएंगे तो यहीं पे एक रिवर है वैगई, इधर यहां पे वैगई है, और कावेरी से ऊपर में एक है पेन्नार करके रिवर, पेन्नार करके रिवर है, ठीक। ये समझ में आ गया, ये दोनों समझिएगा, ये रिवर पेन्नार और वैगई दोनों के बीच में एक स्टेट डेवलप हुआ है जो तमिलनाडु है, इसका उत्तरी पार्ट ये कहलाता है। यहां पे भी एक नया स्टेट डेवलप हुआ उस समय में, इन दोनों के बीच में एक स्टेट डेवलप हुआ, और इन दोनों के बीच में एक स्टेट डेवलप हुआ, मतलब 1, 2, 3 और 4, चार स्टेट इस एरिया में डेवलप हुआ है, जिसकी हम बात करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अभी मैप में क्लियर कर देता हूं। इस तट को कहते हैं मालाबार तट, और इस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। यहां तक समझ में आ गई। इस मैप में और कुछ ज्यादा नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको चलते हैं लेकर के कुछ और दूसरे मैप की ओर, और ये मैप है देखिए, ये आपका भारत है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये पामीर की पठार है जो अभी हम और बात करेंगे। हमको देखना है ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं वेस्ट एशिया। यहां पे ये देख रहे हैं आप अमू दरिया करके एक रिवर है, इसी को ऑक्सस नदी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पूरा एरिया जो है यहां पे, इस सब को बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है सेंट्रल एशिया।
सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री है, वो सारे चीज हम आपको बताएंगे। तो याद रखिएगा ये सारी बात हमने कह दिया। आगे अगर हम मैप में देखें तो दूसरा मैप हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आगे हम बात करेंगे जहां पे इस किताब में चैप्टर में नाम दिया है, जिस नाम को मैं आपको लोकेशन करके दिखाना चाहता हूं। अरिकमेडू एक जगह है, इसको समझिएगा, ये अरिकमेडू है। और कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, तो ये समझिएगा कावेरीपट्टनम कहां, ये कावेरी रिवर है और यहीं पे कावेरीपट्टनम है। ये करेकाडू करके एक लोकेशन है, समझ में आ गया। आगे अगर हम बढ़ें तो एक और मैप आपको दिखाना चाहता हूं, ये है मम्मलपुरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के जो राष्ट्रपति भारत आए थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों के बीच जो मीटिंग हुआ था यही मम्मलपुरम में हुआ था। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देखिए, ये पामीर का पठार है, इसी को पामीर का नोट या पामीर का गांठ भी बोलते हैं, है ना। और इसमें देखिए कई सारे पहाड़ आकर के यहां मिलता है, जिसमें एक हिमालय है, काराकोरम है, हिंदू कुश है, अलकाई है, तियन शान है, अल्तियन टांग है और क्वेन लून है। ये सारे पहाड़ मिलकर के यहाँ पे एक गांठ बनाता है, इसी को पामीर का गांठ बोलते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर को ही बोला जाता है, पामीर को पामीर नॉट भी बोला जाता है। एक चीज और समझना बहुत जरूरी है जो आगे हम इसमें बात करेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। जाड़े के ऋतु में भारत में जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो मेन कारण जो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होता है। और ये बनता कहां है, इसका जो बनने वाला एरिया होता है वो मेडिटेरियन सी में बनता है, थोड़ा मोड़ा कैस्पियन सी से भी ये जलवाष्प को ग्रहण कर लेता है और ये सी, ये हवा, और यहां से चलते हुए ऐसे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करता है और सर्दी के मौसम में भारत में वर्षा करता है। यहां तक क्लियर हो गया, ये सारे मैंने मैप आपको बताया, कोई इशू नहीं है। जब भी आपको हो तो इसको आप फिर से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं मूलभूत जो हमारा चैप्टर था कि शुरुआत करते हैं चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा अंत तक। आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार है, समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर में कहता है भारत का जो इतिहास है इसके भूगोल का सामान्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता, ये बात तो मैंने आपको बताया ही है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है बहुत ही बड़ा है, अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो सारा यूरोप के बराबर होता है भारतीय उपमहाद्वीप। इसका कुल क्षेत्रफल यहां पे दिया हुआ है लगभग 1 किलोमीटर है। इस महाद्वीप में 5 देश है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो इसमें कितने देश हैं और कौन कौन देश हैं। देखिए भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, कभी कभी श्रीलंका भी दे देता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, 5 ही कंट्री है। इसके बाद ये कुछ डाटा दे रहा है, ये अब बहुत ही पुराना डाटा हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ते। कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। स्पष्ट भौगोलिक इकाई के होने के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप को सब कॉन्टिनेंट, वैसे तो कॉन्टिनेंट होता है, इन जो एशिया है ये कॉन्टिनेंट है, एशिया में एक भारतीय उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। क्यों है? क्योंकि इसका एक स्पष्ट भौगोलिक, एक यूनिक फीचर्स है जो दूसरे, मतलब एशिया के दूसरे भागों से अलग करता है। इसका जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है। उष्णकटिबंध मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, मतलब जो कैंसर है, जो कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच वाला पार्ट जो है उसको उष्णकटिबंध कहते हैं और भारत का अधिकांश भाग इस उष्णकटिबंध में पड़ता है, ये बात कह रहा है। भारतीय इतिहास में जो मानसून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब लगभग 10-15 लाइन हम मानसून के बारे में जानेंगे और जानते हैं, आप कई बार सवाल पूछा जा चुका है मेंस में भी कि मानसून का भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसको यहां से अगर आप देख लें, इसको समझ लें तो आप अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हैं। कहते हैं ये जो मानसून है ये दक्षिणी, जो दक्षिण पश्चिम मानसून एक होता है जो जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है। देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसाता है इसी मानसून के कारण। और प्राचीन काल में जब सिंचाई का विशेष महत्व नहीं था तो खेती वर्षा पर ही निर्भर था। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, देखिए दो तरह के फसल होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। जिसे हम खरीफ फसल कहते हैं कहां, तो उत्तर भारत में प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर ही यह आश्रित था। समझ में आया? खरीफ फसल पश्चिमी विक्षोभ, मैंने आपको दिखाया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अभी मैंने मैप में दिखाया था। भारत में, उत्तरी भारत में जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है
वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो जारी का मौसम में फसल होता है इसको हम रबी मौसम, रबी फसल कहते हैं। एक खरीफ हो गया, एक रबी हो गया। गर्मी के मौसम में खरीफ होता है और बारिश ठंडा के मौसम में रबी होता है। इसमें कौन कौन फसल होते हैं? तो गेहूं, जौ आदि प्रमुख फसलें होती हैं। अब कहता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है पेनिनसुलर इंडिया। क्या मतलब होता है पेनिनसुलर इंडिया का? मतलब अगर आप ऐसे कर दें, सॉरी ये हो गया आपका, है ना, ये वाला जो एरिया है इसी को बोलते हैं, ये वाला एरिया इसी को पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, मतलब दक्षिणी भारत। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज्यादातर जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अभी हम दक्षिण पूर्वी मानसून की बात कर रहे थे और अब हम करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। अच्छा एक चीज समझिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है, हाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बारिश, ये जो हवा है ये इस कोना से दक्षिण और पश्चिम से चल रहा होता है, दक्षिण और पश्चिम से चल रहा होता है, इसीलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। और इसको उत्तर पूर्वी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हवा है इधर से चलता है, उत्तर और पूर्व से चलता है, इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये बात समझ में आ गया क्यों इसका नाम दक्षिण उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी रखा गया है, ये समझ में आ गया। कहता है ये उत्तरी पूर्वी मानसून जो है ये मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक इसका पीरियड होता है। आगे कहता है जब ईसा की पहली सदी के आसपास, मतलब फर्स्ट सेंचुरी के पास, ईसा के फर्स्ट सेंचुरी के आसपास मानसून का जो दिशा है ना वो मालूम हो गया। पहले ये मालूम नहीं था, था लेकिन लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन इस समय में इस मानसून की दिशा के बारे में लोगों को जानकारी मिली और जो व्यापारी लोग थे उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाजों पर सवार होकर पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर ये क्षेत्र से चलकर, वेस्टर्न एशिया मैंने अभी आपको मैप में बताया, और भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक आते थे और फिर उत्तर पूर्वी मानसून। अब बताइए इधर से कोई किसी को आना होगा तो इधर से जो मानसून की हवा आ रही है वहां पे समुद्र में अगर आपने पूरा शिप को यहां पे उतार दिया तो वो शिप, वो नाव इस हवा के साथ साथ भारत में पहुंच जाएगा। और अगर वापस जाना हो तो यहां पे फिर आप अपने शिप को उतार दीजिए और ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा के सहारे यही शिप फिर आपको कहां चला जाएगा? पश्चिम एशिया या मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया में आ जाएगा। मेडिटेरेनियन सी से अगर आपको भारत और जो आपका पूर्वी एशिया वाला ए पार्ट है वहां जाना हो तो आप दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण और पश्चिम मानसून का सहारा। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। ये बात क्लियर हो गया। अब कहता है उत्तर भारत में हिमालय से, उत्तर भारत में हिमालय से और शेष तीन दिशाओं में समुद्रों से भारत घिरा हुआ है। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, ये तो क्लियर है। कहता है कि हिमालय क्या करता है? तो एक साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया बहुत ही ठंडा प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव से जो हवा आती है बहुत ही ठंड हवा उसको हिमालय रोक लेती है, इस तरह से भारत की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल गर्म रहती है। यही कारण है क्योंकि हिमालय ठंडे हवा को तो रोक लेती है। मैदान में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोग बहुत अधिक कपड़े तो पहनते नहीं, खुले में बहुत ज्यादा समय तक रहते हैं, पहला विशेषता हो गया। दूसरा कहता है कि जो हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से जितने भी लोग हमला कर सकते थे उन हमलावरों से भारत की रक्षा करता है। यह बात उस विशेष दिनों की थी जब औद्योगिक युग नहीं आया था और संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे, उस समय में भारत की रक्षा हिमालय करता था। आगे कहता है फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में मतलब भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है वहां पे सुलेमान पर्वत श्रृंखला है। और वास्तव में ये क्या है? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही कड़ी है। यहां पे खैबर, बोलन और गोमल दर्रा है। खैबर, के से खैबर, जी से गोमल और बी से बोलन,
KGB, ये क्या है, रशिया का स्पाई एजेंसी है, इस तरह से याद रखिएगा। तो ये क्रोनोलॉजी में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर से दक्षिण में अरेंज करें, तो सबसे पहले खैबर है, फिर गोमल है और फिर बोलन है। इस तीन दर्रे से इस सुलेमान श्रेणी को पास पार किया जा सकता है, मतलब भारत पहुंचा जा सकता है। कहते हैं दक्षिण में सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में जो मिल जाती है, वहां पे किरथार से जाके मिल जाती है, इस श्रृंखला से जुड़ जाती है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है। मतलब किरथार को पार करना हो तो वो बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है, ठीक है। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से आवागमन होता आया है। ईरान हुआ, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के अनेक लोग या हमलावर या अप्रवासी भारत में आए और यहां से लोग वहां भी गए। जहां तक हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार, वो मैं उत्तर पश्चिम की बात कर रहा था, अगर हम पश्चिम विस्तार करें तो हिंदू कुश कहलाता है। सिंधु और ऑक्सस के बीच पार कर लोग आते जाते थे। कहता है देखिए, हिंदू कुश एक तरफ हो गया आपका, हिंदू कुश ये पश्चिम में हिंदू कुश हो गया। यहां पे एक रिवर है जिसको हम ऑक्सस कहते हैं और यहां पे एक रिवर है जिसको हम सिंधु बोलते हैं। तो ये कहता है कि ये जो हिंदू कुश है इसको लोग पार कर जाते थे। कौन लोग? तो सिंधु के एरिया के लोग और ऑक्सस के एरिया के लोग, दोनों इस हिंदू कुश को पार करके आते जाते रहते थे। आगे कहता है ये दर्रा एक ओर भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में बहुत ही सहायक हुए। कौन? ये दर्रा, ये सारे दर्रे की मैं बात कर रहा हूं। ये भारत एक तरफ, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया दूसरी तरफ, दोनों के बीच जो व्यापारिक संबंध होते थे या सांस्कृतिक संबंध बने, इसमें इस दर्रे का बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे कहता है कि हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की घाटियां है या उपत्यकाएं हैं। अगर हम कश्मीर की घाटी बात करें तो ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए हैं और इसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली है, लेकिन यहां भी दर्रों से पहुंचा जा सकता था। इस घाटी में जब बहुत ही कड़ा सर्द, बहुत ही कड़ा जारा पड़ता था तो अनेक लोग यहाँ के बहुत सारे लोग जो है इन सर्दियों में नीचे के मैदानों में उतर जाते थे, और जब गर्मी होता था तो मैदान के भेड़ बकरी चराने वाले लोग यहाँ चले आते थे। इस तरह मैदानों और इस घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरह से ट्रांसफर होते रहता था। तो इस तरह से सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान बना हुआ रहता था। कहता है कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में, मैंने बताया मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए केंद्र स्थल बनाया गया, और यह बनाने में जो पामीर का पठार है, जिसे मैं बोला अभी मैप में दिखाया था, पामीर का नोट पूरा मैप मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया, बोला कि कश्मीर को केंद्र बनाकर के सेंट्रल एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में यह पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। अर्थात उस समय में लोग पामीर के पठार को आसानी से क्रॉस करके सेंट्रल एशिया में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। अब बात करते हैं नेपाल की घाटी के बारे में, ये बहुत ही छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों के लोग यहां पहुंचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ लिया करते थे। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई। कहता है दोनों ही उपत्यकाएं अर्थात नेपाल की और कश्मीर की संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रहा है। क्लियर ये बात? आगे क्या कहता है? कहता है मैदान की कछारी मिट्टी एल्यूवियल सॉइल जो होता है, में जो घास पनपते हैं, पनपे घास और जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराई, हिमालय की फुटहिल मतलब क्या होता है, 600 से लेकर के 1200 मीटर तक की ऊंचाई वाला जो हिमालय का पार्ट है उसको हिमालय की तराई कहा जाता है। यहाँ के जंगलों को साफ करना बड़ा ही आसान था। इन तराइयों में बहने वाली जो नदियां थी वो चौड़ी होती थी, उनकी चौड़ाई कम होती थी। यही नदियां जब मैदानी वाले एरिया में आ जाता था तो उनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होता था। उन चौड़ी नदियों को पार करना कठिन था। नदियों को पार करना तब आसान था जब इनकी चौड़ाई कम हो, और चौड़ाई कम कहां होता था, तो तराई वाले एरिया में होता था, अतः उन्हें पार करना कठिन न था। यही कारण है कि प्रारंभिक जो यात्रा मार्ग है वो हिमालय के तराइयों में ही पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम को विकसित हुए। आगे कहता है संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व छठी सदी में याद रखिएगा सबसे पुरानी कृषि बस्ती तराई वाले इलाकों में ही बनी, और यहीं के रास्ते व्यापार के लिए
अपनाए गए। ये बात समझ में आ गई, तराई जो फुटहिल्स वाला एरिया है कितना इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है भारतीय ऐतिहासिक भारत का वक्षस्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी रहती है। अब हम नदी की बात कर रहे हैं। कहता है नदियों के ये क्षेत्र वास्तव में सिंधु का मैदान हो गया, गंगा की घाटी हो गया, ब्रह्मपुत्र की घाटी हो गया। और गंगा की घाटी और सिंधु का मैदान, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको सिंधु गंगा जल विभाजक कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका सिंधु है, ये आपका गंगा है, अरे है ना, सॉरी यहां फिर से हम आते हैं, ये आपका सिंधु है और ये आपका गंगा है। ये जो एरिया वाला है ना, इसको बोलते हैं, ये जो एरिया है ये बहुत ही ऊंचा एरिया है, यहां का पानी इधर हो जाता है, यहां का पानी इधर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंधु गंगा जल विभाजक। यहां तक पहुंचोगी। कहता है जो जो हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, त्यों त्यों पाते हैं कि वार्षिक वृष्टिमान एनुअल रेनफॉल क्रमशः 25 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, 25 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। 25 सेंटीमीटर कहां पश्चिम की ओर, 250 सेंटीमीटर कहां पूर्व की ओर। इस तरह से कहता है 25 से 37 सेंटीमीटर जो वर्षा द्वारा पोषित सिंधु प्रदेश है कि जो पेड़ पौधे हैं, और शायद 37 से 60 सेंटीमीटर द्वारा जो पोषित पश्चिमी गंगा घाटी। आप याद रखिएगा, गंगा घाटी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पश्चिम वाला पार्ट, अभी मैंने गंगा का मैप दिखाया था, गंगा के मैप को तीन भागों में बांटा गया है एरिया को, एक को पश्चिम, बीच वाले को मिडिल और सबसे पूरा वाले को पूर्वी। तो यह कहता है पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधे को भी पत्थर और तांबे के औजार से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना संभव था। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 25 से 37 सेंटीमीटर जो सिंधु प्रदेश वाला है वहां का पेड़ पौधा, 37 से 60 सेंटीमीटर द्वारा जो पोषित पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधा है, इन पेड़ पौधे को पत्थर से या तांबे के औजार से काट करके वहां के जमीन को कृषि योग्य बनाना तो संभव था। कहता है परंतु 60 से लेकर के 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा जो पोषित मध्य गंगा घाटी के जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था, मतलब उसको पत्थर और तांबे के औजार से उस जंगल को काटना संभव नहीं था। और तो और, अगर हम 125 से 250 सेंटीमीटर जो एनुअल रेनफॉल वाला एरिया ब्रह्मपुत्र की घाटी के जंगलों की बात करें, तो इनको तो कतई संभव नहीं था कि आप पत्थर और तांबा के और जो हथियार है उसे काट सकें। घने जंगलों और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना तभी संभव हुआ जब लोहे के औजार प्रयोग में हुआ, परंतु ये लोहे का औजार तो बहुत ही बाद में विकसित हुआ। अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कहां हुआ, पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेश में किया गया और बाद में, और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से पूरब की ओर होता गया। यहां तक क्लियर हो गया। आगे कहता है सिंधु और गंगा के मैदान में शुरू हुई खेती से यहां बढ़िया फसल होने लगी और इसने एक के बाद कई संस्कृतियों का संभरण किया या पोषण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में, सिंधु के मैदान और गंगा के पश्चिमी मैदान में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य तथा निचले मतलब पूर्वी भाग के मैदान में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल कहता है गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन था। कहता है हड़प्पा संस्कृति का उद्भव, ये समझिएगा यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है जो हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास हुआ है सिंधु घाटी में हुआ, जबकि वैदिक संस्कृति का जो उद्भव हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रदेश, पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ। लेकिन इसका विकास कहां हुआ, इसका विकास पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ। किसका, वैदिक संस्कृति की बात कर रहा हूं, हड़प्पा संस्कृति की बात मैंने कहा सिंधु घाटी में हुआ, वैदिक संस्कृति का उद्भव कहीं और हो रहा है, विकास कहीं और हो रहा है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वैदिकोत्तर संस्कृति का, तो जो मुख्य लोहे का प्रयोग पर आश्रित थी, वैदिकोत्तर संस्कृति किस पे था आश्रित, तो लोहे के प्रयोग पे आश्रित था और ये मध्य गंगा घाटी में फूली फली। अगर हम बात करें निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को, तो कहता है वास्तव में इसको तो महत्व तब प्राप्त हुआ जब गुप्त युग आया। आगे कहता है असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग का क्या मतलब होता है, 600 से लेकर के 1200
इसको आरंभिक मध्ययुग कहते हैं, इस समय में इसको महत्व प्राप्त हुआ। प्रमुख शक्तियां इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रहती थी। इनमें भी ये शक्तियां गंगा यमुना जो दुआब है, मैंने आपको बताया था यमुना रिवर और गंगा रिवर दोनों के बीच का जो एरिया है, उस दुआब के लिए ये जितनी शक्तियां थी आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष करती रहती थी। यहां तक क्लियर? आगे कहता है जो नदियां हैं वाणिज्य और संचार की मानो धमनियां थी। वाणिज्य और संचार, प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन कहां से होता था, तो नाव से होता था। अतः जो नदी मार्ग है सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही सहायक हुए। आप जानते हैं जो अशोक का जो प्रस्तर स्तंभ था उनको नाव से ही दूर दूर स्थानों तक पहुंचाया गया। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की जो बांध का पानी था ना, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता था और उन्हें उपजाऊ बना देता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थी, किंतु नदियों का भारी बाढ़ से हर साल उत्तर का जो मैदान का गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक इमारतें बाढ़ में बढ़कर बहकर नष्ट हो गई थी। फिर भी क्या हुआ, जो हस्तिनापुर है, जो प्रयाग है, जो वाराणसी है और जो पाटलिपुत्र, ये चार जो साइट्स हैं इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत के मैप में कहाँ है इसको आप जरूर इंडिकेट कीजिएगा, किस रिवर के तट पे ये अवस्थित है इनको भी आप कहिएगा, जैसे अनेक नगर और राजधानियां इन्हीं नदी तट पर बसी। आजकल बहुत सारे जो शहर स्थापित किए जाते हैं वो या तो रेल मार्ग या सड़क के संगम पर या जो औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में वहां होता था। लेकिन औद्योगिक युग से जो पहले की अगर हम बात करें तो अधिकतर जो शहर है वो नदी तट पर ही स्थापित होते थे। सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं के काम में, इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मैप को देखिएगा, कहता है ये रेनफॉल एनुअल रेनफॉल हो गया 6, इसमें कैटेगरी दिया है 20 सेंटीमीटर से कम, 20 से 60 के बीच, ये व्हाइट वाला हो गया, ये डॉट 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 हो गया, ये लाइन है पर ये एक साइड झुका हुआ है, ये दूसरी साइड झुका हुआ है, इसमें क्रॉस बना हुआ है और ये बहुत ही डीप डार्क है। तो 400 सेंटीमीटर से अधिक एक एरिया ये दिखाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा यहां दिखाया जा रहा है। इस एरिया को आप आराम से देख लीजिएगा मैप में तो बहुत ही आसान होगा, इसको हम डिटेल में बताने की कोशिश ना करें तो ज्यादा समय बचेगा हमारा। आगे कहता है पर्वतों ने भी किया, नदी ने तो किया पर्वतों ने भी किया। उदाहरण भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बताने जा रहे हैं, भारतीय प्रायद्वीप इंडियन पेनिनसुलर जो था उसका पूर्वी जो भाग था आज का उड़ीसा का समुद्र तटीय प्रदेश था जो उस समय में कलिंग देश कहलाता था। इसकी जो उत्तरी सीमा थी महानदी थी, मैंने बताया था सबसे पहले मैप में मैंने बताया कि महानदी कहां है और मैंने बोला कि इसका जो गोदावरी कहां है, तो यह कलिंग देश है उसका नॉर्दर्न जो सीमा है वो महानदी और जो साउथर्न सीमा है वो गोदावरी। क्लियर? इस प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, ये देखिए मैंने उड़ीसा और कलिंग की बात किया, अब हम आंध्र प्रदेश की ओर आते हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तर में क्या हो गया, तो गोदावरी हो गया और दक्षिण में क्या हो गया, कृष्णा। ये सारी नदी मैं बता चुका हूं, आपको दिखा चुका हूं। और इन दोनों नदियों के मुहानों पर, मुहानों के मैदानों पर ईसवी सन फर्स्ट सेंचुरी ईसा जो है उस समय की बात करता है, मैं अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला और यहाँ पे सातवाहन और उसके उत्तराधिकारी ने यहाँ पे शासन किया और यहाँ पे अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। तो सातवाहन किसके किसके बीच हो गया, गोदावरी और कृष्णा के बीच हो गया। कलिंग किसके किसके बीच हो गया, तो महानदी और गोदावरी के बीच हो गया। ये समझ आ गया? कहता है अगर हम तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तरी कृष्ण, उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी, तो मैंने आपको सातवाहन का दक्षिणी भाग हो गया कृष्णा और तमिलनाडु का उत्तरी भाग हो गया कृष्णा, है ना, और दक्षिणी भाग हो गया कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में बोलता है कि कावेरी नदी की जो घाटी है ना, दक्षिण में वेगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैला हुआ है। मतलब ये कावेरी नदी है तो इसका उत्तर, इसका जो घाटी है उत्तर में कौन सा नदी, तो पेन्नार रिवर, और दक्षिण में कौन सा, तो वेगई रिवर। इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईसवी सन के आरंभ के थोड़े पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ। ये एरिया जो था यहाँ पे चोल शासन स्थापित हुआ, कहता है ये तो एरिया है ही, इसका भी तमिलनाडु का उत्तरी तमिलनाडु जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक तरह का अलग फीचर है इसका। कहता है इस जो उत्तरी तमिलनाडु है यहाँ पे पल्लव शासन, ये उच्च भूमि वाला जो प्रदेश था यहाँ पे पल्लव शासन कब डेवलप हुआ, तो चौथी और छठी सदियों में प्रसिद्धि पाई। तो मैंने पल्लव तक बात कर लिया।
इसके प्रायद्वीप का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ है। ये जो प्रायद्वीप है पेनिनसुलर इंडिया है, इसका जो पूर्वी भाग है इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। कहता है ये जो पूर्वी भाग है समुद्र तट का रेखा जो है ये पारस में ही है, बहुत ही नजदीक है। पूर्वी घाट समुद्र तट के बहुत समुद्र तट से बहुत ही नजदीक है, तथापि ये ज्यादा ऊंचा नहीं है। इसीलिए पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं यहाँ पे अनेक रास्ता बना दिया था। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाई नहीं आई। पूर्वी समुद्र तट और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो इंटीरियर वाला एरिया है, जो अंदर वाला एरिया है, वहां पे आवागमन में कोई रुकावट नहीं आई, क्योंकि ये जो पूर्वी तट है इसका ऊंचाई बहुत कम था। कहता है यहाँ पे कौन कौन सा शहर बसा था? अरिकमेडु, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम, ये तीनों मैंने मैप में उस लोकेशन पे जाकर के आपको दिखाया था। सबसे पहले मैप में ये कहां अवस्थित है, कहता कोरोमंडल पर ही अवस्थित है। अब कहता है प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, अगर तो हम पूर्वी भाग को डिस्कस कर लिए, पूर्वी भाग में मैंने चार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ वो मैंने बता दिया, अब हम पश्चिमी प्रायद्वीप, पश्चिमी भाग जो है प्रायद्वीप का उसकी बात करते हैं। यहाँ प्रादेशिक इकाई उस तरह से नहीं है, परंतु उत्तर में हम ताप्ती को ले लें जिसको दमन गंगा कहा जाता है, और दक्षिण में भीमा को ले लें, इसके जो बीच का प्रदेश है वो महाराष्ट्र है, ये बात क्लियर हो गया। इसी तरह से भीमा और उत्तरी भीमा और ऊपरी कृष्णा को ले लें तथा दक्षिण में तुंगभद्रा को ले लें, इनके बीच का जो प्रदेश है उसको कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। एकदम याद रखिएगा, ऊपरी कृष्णा और भीमा उत्तर में और दक्षिण में तुंगभद्रा, इनके बीच का प्रदेश को क्या कहा गया है, तो कर्नाटक कहा गया। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। कहता है ये जो तुंगभद्रा रिवर है, वास्तव में तुंगभद्रा रिवर जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और जो भीमा है वो भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा नदी में उत्तर से आकर के मिलती है और तुंगभद्रा कृष्णा नदी में दक्षिण से आकर के मिलती है। तो यहां पर बात किया जा रहा है तुंगभद्रा के बारे में। कहता है तुंगभद्रा जो है अपने उत्तर और अपने दक्षिण के बीच जो वॉरियर ग्रुप्स थे उनके बीच में एक प्राकृतिक सीमा का काम किया। कहता है एक ओर बादामी के चालुक और राष्ट्रकूट, ये दोनों कहां थे, तो तुंगभद्रा के उत्तर में थे। इसको नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई। वहीं दूसरी ओर पल्लव और चोल, ये कहां थे, तो तुंगभद्रा के दक्षिण में थे। इनको उत्तर में राज विस्तार करने में कठिनाई हुई। क्यों कठिनाई हुई, क्योंकि बीच में तुंगभद्रा था। प्रायद्वीप के सुदूर पश्चिम के तटीय प्रदेश जो है जिसको आज हम केरल कहते हैं, प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती भाग जो पश्चिमी भाग है उसको मालाबार तट कहते हैं। याद कीजिए पूर्व में कोरोमंडल तट था और पश्चिम में मालाबार तट है, जिसके इस तट पर कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज स्थापित हुए। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा करते रहे। पश्चिमी घाट यहां पर कठिनाई पैदा किया, लेकिन जो पूर्वी घाट था वो कठिनाई पैदा नहीं कर पाया, वो हम पहले बात कर चुके हैं। पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा करते थे क्योंकि इनके दर्रों को पार करना आसान नहीं था। आगे बात करते हैं, उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणाली हो गया और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला हो गया। तो मतलब एक तरफ सिंधु और एक तरफ गंगा, इसके नीचे हो गया विंध्य पर्वत श्रृंखला, तो ये पूरा एरिया हो गया, इस एरिया की बात कर रहे हैं। कहते हैं उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणाली और दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वतों द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। यहीं पे अरावली पर्वत हो गया, तो दो भाग में बांट दिया। अरावली पर्वत से जो पश्चिम का भूभाग होगा उसको थार मरुस्थल कहा जाता है, और राजस्थान, हालांकि इस राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में कुछ उर्वर मरुद्यान थे। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां बसाना संभव नहीं था, फिर भी इस मरुभूमि में बहुत सारे उर्वर मरु उद्यान जिसको ओएसिस बोलते हैं, जहां कहीं कहीं बस्तियां थी, और आरंभ काल से ऊंट के सहारे इस मरुस्थल को क्रॉस किया जा सकता था, पार करना संभव था। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, राजस्थान का दक्षिण और पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। इसके अलावा जो राजस्थान में खेतरी तांबे की खाने भी उस क्षेत्र में होने के कारण वहां से ताम्र पाषाण के युग से ही बस्तियां हमको मिलती है। खेतरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। आगे बोलता है राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा मिलती है।
नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया और साबरमती इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिर जाती है। अब कहता है दक्षिणी पठार के पश्चिम और उत्तर छोर पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप कहते हैं। काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप समझिएगा मैप में, इस राज्य का जो तटीय क्षेत्र है काफी दंतुर है, बहुत ही कटा छटा है। इसी कारण से इस राज्य में तटवर्तीय क्षेत्र में बहुत सारे बंदरगाह बन पाए। इतना कटा छटा है, इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि वहां बंदरगाह बनाना बड़ा आसान है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही गुजरात के समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा। गुजरात का समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा और यहाँ के लोग बहुत ही उद्यमशील थे, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे बहुत ज्यादा था। अब बात करता है गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में अगर चले जाएं तो आपको मध्य प्रदेश, हालांकि अब ये अलग हो गया है, बट गया है, छत्तीसगढ़ हो गया है, लेकिन फिर भी इसको अभी समझते हैं। ये जो मध्य प्रदेश है इसका पश्चिम वाला जो एरिया है वो चंबल नदी है और पूरब में इसको सोन नदी जो है एक तरह का यहाँ पे बॉर्डर बनाता है। और इसका दक्षिण में क्या है तो विंध्य पर्वत है और नर्मदा घिरा हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। इसका जो उत्तरी भाग है वो उपजाऊ मैदान है। आजकल का जो मध्य प्रदेश है हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, ये अब लाइन सही नहीं रहा। मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जा सकता है। यह मोटे तौर पर मतलब ये जो मध्य प्रदेश है उसको पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जा सकता है। आगे कहता है ये जो पूर्वी भाग है ये ज्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है और गुप्त काल में इस समय में यहां इसको ऐतिहासिक महत्व मिला। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है जिसमें मालवा वाला एरिया है, यहां जो ईसा पूर्व की छठी सदी से ऐतिहासिक क्रियाकलाप का क्षेत्र है। कहता है जो गुजरात, याद रखिए गुजरात के बहुत सारे बंदरगाह है और गुजरात के जो बंदरगाह है उसके लिए ये जो मालवा है एक तरह का पृष्ठ प्रदेश या भीतरी प्रदेश या हिंटरलैंड था, इसीलिए इस प्रदेश का भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसका इस हिंटरलैंड पे कब्जा हो जाता था, मान लीजिए कि गुजरात के बंदरगाह पर उसका इनडायरेक्टली कब्जा हो जाता था, इसीलिए गुजरात के इस बंदरगाह और मालवा के क्षेत्र को लेकर के बहुत ही संघर्ष रहा है। आगे कहता है मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच कई युद्ध हुए, जैसे उदाहरण दिया है ईसा की पहली और दूसरी सदियों में शकों और सातवाहनों, शक किधर हो गया, नॉर्थ की ओर का शासक था और सातवाहन कहां हो गया, साउथ की ओर। उसी तरह 18वीं सदी की बात करें तो मराठों मतलब क्या, साउथ की ओर राजपूत, नॉर्थ की ओर इन दोनों में लड़ाई हुआ। आगे बात अगर हम करते हैं तो आगे कहा गया है नदियों द्वारा या कहीं कहीं पर्वतों द्वारा और कहीं कहीं डेल्टा या पठार द्वारा प्रत्येक प्रदेश जो था वो एक एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था। ठीक है, मतलब नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र, डेल्टा वाला एरिया या पठार वाला एरिया, ये एक तरह का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का रूप ले लिया, एकदम स्वतंत्र रूप से हो गया था। यहाँ पे विभिन्न राजवंश का शासन का उत्थान और पतन होता रहा। इस विशाल देश में यातायात की तो बहुत सारी कठिनाइयां थी, प्राकृतिक सीमाओं बहुत ही मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए यह आसान नहीं था कि एक क्षेत्र से निकल करके अन्य सारे प्रदेशों पर शासन कर ले। कहता है धीरे धीरे प्रत्येक प्रदेश ने अपनी एक पृथक संस्कृति का एक इकाई का रूप धारण कर लिया, जिसकी अपनी भाषा होता था, अपनी जीवन पद्धति होता था। परंतु उत्तर और पश्चिम भारत की अधिकांश भाषाओं को अगर हम देखें तो वह मूलतः हिंद आर्य भाषा से ही विकसित हुआ, इसीलिए इनमें बहुत सारी तात्विक समानताएं दिखाई देती हो। एक और भी महत्व की बात है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और वह समझी जाने लगी। ये सारी बात समझ में आ गया। अब कहता है ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है देश को पूरब से पश्चिम की ओर, विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूरब से पश्चिम की ओर दो भागों में विभक्त करती है। यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला है ये पूरब से पश्चिम की ओर देश को दो भागों में बांट देती है, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, यही बात यहाँ पे कह रहा है। और इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजन बन गए। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग कहां रहते थे, विंध्य के दक्षिण में, और भारतीय आर भाषा बोलने वाले उसके उत्तर में रहते थे। दोनों के बीच विंध्य क्षेत्र था और यहां पे कौन थे, आदिवासी लोग रहते थे जहां आज भी हैं। पश्चिम और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में, पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रवासी और व्यापारी लोग आकर के बस गए। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला,
विंध की यह सीमा अलंग नहीं है। ये जो विंध उत्तर और दक्षिण में भारत को बांटा है, ये जो विंध की सीमा है ये अलंग नहीं है, इसको क्रॉस किया जा सकता था। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचे और दक्षिण के लोग उत्तर गए, परिणाम तक क्या हुआ? संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया और दक्षिण के शासक भी उत्तर में गए। धर्म प्रचारकों और सांस्कृतिक नेताओं, विशेषतर ब्राह्मणों की अगर बात करें तो इनपे यह बात लागू होती है। दोनों ओर का आवागमन निरंतर जारी रहा और इसने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योग दिया। यहां तक क्लियर हो गया? आगे कहता है, यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों की अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं तो थी, परंतु प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए समुचित संपदा नहीं था, है ना? जैसे आज का देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, इनकी समुचित सीमाएं तो है लेकिन उनके देश के लोगों को जीवन यापन करने के लिए वहां पे पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस तरह से हमारे आज के विश्व में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पॉलिटिकली तो बाउंड्री से घिरे हुए हैं, उनका एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, लेकिन उसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है कि वहां के लोग अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन जी सके। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल से ही धातुओं और अन्य आम जरूरतों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का जाल बिछ गया। ये बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संपदा का उपयोग, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था। जो प्राकृतिक संपदा का उपभोग जो है देश के इतिहास में विशिष्ट महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी तो भारी वर्षा के बदौलत भारत के मैदान पर बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा हुआ था, है ना? इन जंगलों से शिकार किया जाता था, पशुओं का चारा, ईंधन और लकड़ी प्राप्त किया जाता था। प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता था तो उस समय क्या होता था? लकड़ी के मकान और लकड़ कोट बनाए जाते थे। इनका अगर अवशेष देखें, पाटलिपुत्र में आज भी मिलता है। पाटलिपुत्र क्या है? देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित हुई थी। मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर और बलवा पत्थर भी देश में उपलब्ध थे। अब हम लकड़ी से अब पत्थर पे आ गए। सहजी भारत में सबसे पुरानी बस्तियां कहां बसा? तो पहाड़ी वाले इलाकों में हुई, और पहाड़ों भी जो दो पहाड़ों के बीच की जो नदी घाटियां हैं वहां पर स्थापित हुई। तो नदी घाटी मतलब नदी से जल का मिल गया, और पहाड़ मतलब पत्थर है, तो वहां से अस्त्र शस्त्र टूल्स बनाने के लिए पत्थर मिल गया। प्राग ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिरों और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन और दक्षिण भारत में बहुत बड़ी संख्या हुआ। मतलब पत्थर प्रस्तर मूर्तियां और पत्थर के मंदिर बहुत बड़े पैमाने पे बना है यहाँ पे। अब आप बात करें तो तांबा के बारे में बात करें, ये तांबा जो है ना व्यापक रूप से बिखरा हुआ है। तांबे की परम समृद्ध खाने कहाँ मिला है? तो छोटा नागपुर के पठार में मिला है, विशेष रूप से सिंहभूम के जिले में मिला है। मैप में मैंने पहले ही दिखाया जाए, तांबे की यह पट्टी जो है ना 130 किलोमीटर लंबी है, और पता चला है कि प्राचीन काल में यहां से तांबा निकाला जाता था, और तांबे का जो औजार इस्तेमाल किया जाता था वो करने वाले बिहार के सबसे पुराने निवासियों ने सिंहभूम और हजारीबाग के तांबे के खानों का उपयोग किया था। अगर हम दक्षिण बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तांबे के बहुत सारे औजार तो मिलते हैं, लेकिन तांबे का विपुल भंडार जो है वो हमको खेतरी कहां पे है, राजस्थान के खानों में मिला है। इनका उपयोग कौन कौन करते थे? पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना द्वाब में रहने वाले जो प्राक वैदिक और वैदिक दोनों ही लोगों ने किया, मतलब वैदिक से पहले वाले और वैदिक दोनों लोगों ने यहाँ के ये तांबे के संसाधनों का उपयोग किया। क्षेत्रीय इलाके में तांबे बहुत से सेल्ट मतलब आदिम पुराने पाए गए हैं, और वो भी लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की अवधि के प्रतीत होते हैं। तांबा का उपयोग सबसे पहले की गई थी धातु, इसीलिए हिंदू इस धातु को बहुत ही पवित्र मानते हैं, और ताम्र पत्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवहार होने लगा। अगर हम बात करें तो टीन का, ये देखिए अब हम टीन की बात करते हैं, टीन का उत्पादन हमारे देश में लगभग नहीं होता था। प्राचीन काल में भी यह धातु कम ही उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि यह धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसका भंडार लगभग समाप्त हो गया है। ये तांबे है और टीन दोनों को मिलाकर के कांसा बनाया जाता था, इसलिए प्रागैतिहासिक में कांसे की जो वस्तुएं हैं अधिक हमको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे टीन था ही नहीं। जब टीन रहेगा नहीं तो तांबा में मिलाएगा कैसे? हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है संभवतः राजस्थान से कुछ टीन प्राप्त करते थे, वही खेतरी वाला एरिया से, परंतु टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान से। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में उन्होंने एक अपना सेटेलाइट
सेंटर ही बना दिया था, एक साइट से, सैटेलाइट साइट बोलते हैं, अफगानिस्तान में बनाया था, वहां से फिर वो टीन का आयात करते थे और वह भी सीमित मात्रा में ही है। यही कारण है कि हड़प्पा के लोग कांसे के औजार का प्रयोग तो करते थे, लेकिन यहां पर ऐसे औजार पश्चिम एशिया, मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम ही मिले हैं, और जो मिले हैं उनमें टीन की मात्रा बहुत कम है। अतः कहता है कि भारत के अधिकतर हिस्से में वास्तव में कांस्य युग, अर्थात ऐसा युग जिसमें औजार और हथियार कांस्य के हो, वो वास्तव में आया ही नहीं। चलिए इस मैप को देख लेते हैं। ये जो सर्किल बना हुआ है ये सोना है, ये जो ब्लैक डॉट बना हुआ है ये लोहा है, और ये थ्री डॉट जो बना हुआ है ये तांबा है। ये कोलार सोना हो गया और रायचूर सोना हो गया, उसके बाद देख लीजिए ये तांबा गुंटूर हो गया, और ये भी नेल्लोर गुंटूर, ये तांबा हो गया। मयूरभंज तांबा हो गया, सिंहभूम तांबा हो गया, और ये रहा आपका खेतरी, ये तांबा हो गया। बाद बाकी जो भी बचा है वो क्या है, लोहा है, आप देख लीजिएगा। गॉट माय पॉइंट। अधिकतर कांसे के होते थे, ठीक से आया ही नहीं, मतलब भारत में ऐसा फेज जहां पे कांसे का प्रयोग होता था वह फेज ठीक से आया ही नहीं, क्योंकि टीन मिला ही नहीं। ईसवी सन के आरंभिक शतकों से ही भारत का घना संपर्क बर्मा और मलय प्रायद्वीप के साथ कायम हुआ। ये मैंने मैप में बता चुका है कि बर्मा कहाँ है, मलयद्वीप कहाँ है। यहाँ टीन का बहुत विपुल भंडार था, वहां से आयात होता था। इसी कारण से दक्षिण भारत में देव प्रतिमाओं में बड़े पैमाने पर कांसे का उपयोग किया गया। बिहार में पाल काल में कांस्य प्रतिमाओं के लिए टीन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया जाता था, क्योंकि हजारीबाग में कहता है कि पिछली सदी के मध्यकाल तक, मतलब 19वीं सदी, ये जो बुक है ये 20वीं सदी में लिखा गया है, यह 21वीं सदी है, तो ये 19वीं सदी के कहता है मध्य भाग तक टीन के अयस्क गलाने का काम होता था। अब हम बात करते हैं लोहा का। लोह अयस्क जो है इसमें भारत बहुत ही समृद्ध रहा है, जैसे दक्षिण बिहार हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश मतलब हो गया आज का छत्तीसगढ़ में पाया जाता था। एक बार अयस्क गलाने की विधि, मतलब धोकनी का इस्तेमाल इस्पात बनाने के लिए सीखने पर युद्ध के काम में लोहे का प्रयोग करना संभव हो गया। इससे भी ज्यादा लोहा कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जंगल को साफ करने में और खेती करने में, नियमित रूप से खेती करने में। कहता है मगध में ईसा पूर्व छठी चौथी सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ उसका प्रमुख कारण यही था, इस प्रदेश के ठीक दक्षिण में क्या था, लोहा बड़े पैमाने पर उपलब्ध था। बड़े पैमाने पर लोहा का उपयोग करके अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी में थे, ईसा पूर्व छठी सदियों में एक महत्वपूर्ण राज बन गया। जब हम 16 महाजनपद की बात करेंगे तो ये सब आपको बताएंगे। जो सातवाहन ने विंध्य के दक्षिण में उदित हुई अन्य सत्ताओं ने भी शायद आंध्र और कर्नाटक के लोह अयस्क का इस्तेमाल किया। कहते हैं आंध्र प्रदेश में सीसा, अब हम सीसा की बात करते हैं, मिलता है। यही कारण है कि ईसा की दो आरंभिक सदियों में जो आंध्र प्रदेश में जो राज स्थापित हुआ, आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले जो सातवाहन थे, सातवाहन वही कहां गोदावरी और कृष्णा के बीच है ना, बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए थे। सिक्का कहता है राजस्थान में एक जगह है जोवार, यहां से भी प्राप्त किया जाता था। अब हम बात करें चांदी की, बात करते हैं। हमारे देश में सबसे पहले जो सिक्के चलाए गए ना वो आहत सिक्के थे, जिसको पंच मार्ट, मतलब सिर्फ निशान बना हुआ था, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोई पिक्चर बना हुआ नहीं था, राजा का पिक्चर नहीं था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस कोई निशान मार देता था, इसको पंच मार्ट सिक्का कहा जाता था। और ये सबसे पहले जो चला वो चांदी का ही चला, यद्यपि धातु जो है भारत में बहुत ही विरल था, परंतु प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर, आज जो बिहार में मुंगेर जिला है, वहां पे खड़गपुर की पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी। अकबर के समय तक इन खानों का उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहार सिक्के चांदी के ही हैं। अब हम बात करते हैं सोना की। स्वर्ण कण नदी की धाराओं के से बने जमाओं से चुने जाते थे, जो धारा हिमालय से निकलती थी बाहर बह करके मैदान में आ जाते थे, ऐसे जल धाराओं से स्वर्ण कण को निकाला जाता था। ऐसे जमाव को प्लेसर्स कहते हैं। प्लेसर्स क्या होता है, तो स्वर्ण कण के जमाव जो नदी के धाराओं में बह करके कहीं जम जाता था, इकट्ठा हो जाता था, उसको प्लेसर्स कहते थे। सोना वास्तव में कर्नाटक के कोलार, जो भी मैंने मैप में दिखाया, वहां के खानों से भी मिलता है। कहते हैं सोने का सबसे पुराना अगर अवशेष मिला है ना, तो वो 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल से मिला है। इन खानों से सोना निकालने के बारे में हमें ईसा की दूसरी सदी के आरंभ तक कोई जानकारी, मतलब वो अवशेष मिला है, लेकिन इन खानों से सोना निकालने के बारे में हमको दूसरी सदी का जो आरंभ है उससे पहले कोई जानकारी नहीं मिलता है। कोलार कहाँ है, दक्षिण कर्नाटक, कोलार
क्या है, तो जो दक्षिण कर्नाटक वाला एरिया है वहां पे गंग वंशियों का प्राचीनतम राजधानी माना जाता है। प्राचीन काल में उपयोग में लाया गया अधिकांश सोना कहां से, तो मध्य एशिया से और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था। जब हम रोमन ट्रेड की बात करेंगे तो हम बताएंगे किस तरह से उनको यहां से मसाला के व्यापार के लिए उनको स्वर्ण मुद्राएं लाना पड़ता था, वो हम वहां पे बात करेंगे। जब ट्रेड होता था तो स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन ईसा की आरंभिक 5 सदियों में हुआ, पर लंबी अवधि तक स्वर्ण मुद्रा चलाते रहने के लिए पर्याप्त स्रोत तो हमारे पास था नहीं। जैसे ही बाहर से आयात बंद हुआ तो स्वर्ण मुद्राएं भी भारत के लिए दुर्लभ हो गई। यहां तक क्लियर? अब कहता है प्राचीन भारत में विशेषतः मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत में भांति भांति के रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था। कहता है ईसा की आरंभिक सदियों में रोमन लोग भारत की जिन जिन वस्तुओं के लिए ललायित रहते थे उनमें रत्नों का प्रमुख स्थान था। यह बात समझ में आ गई? अब आप सवाल को अच्छी तरह से लिखिएगा, ये चार क्वेश्चन को आप लिखिएगा, ये आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये सारे पॉइंट